यस प्लीज, क्या हाल चाल है आप लोगों के? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबर लॉ विच वी नो एज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट. पूरा नाम इसका है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. आजादी मिली, संविधान बना, पहली सरकार बनी और उन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ काम करने की कोशिश की. सो नाउ टुडे वी विल सी द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. हाउ इट गोज, दिस एक्ट टॉक्स अबाउट that some post-retirement benefit should be provided to the laborers during their job. भाई जब वो नौकरी कर रहे हैं तब आप उन्हें पैसे तो दे ही रहे हो, तब तो आप उन्हें तनख्वाह दे ही रहे हो. जब वो नौकरी करके रिटायर हो जाए फिर उनको क्या मिलने वाला है? So let us see किसके ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल है. As you know, every act has one section which talks about applicability of that act. So this act is applicable. Now see the language. With exception under section 16. हम देखेंगे कि जो section 16 में business entities specified है उनके ऊपर ये वाला act लागू नहीं होता. The act applies to every establishment. Mind the word. They have not used the word factory, they have not used the word company, they have not used the word partnership firm, they have not used the word cooperative society, they have not used the word sole proprietorship. They have used the word establishment, dhanda, entity, hai ki nahi hai. This act is applicable on every establishment which is a factory. Ab iska matlab is act ko factory ki definition bhi batani padegi. Which is a factory engaged in any industry specified in schedule number 1. Schedule number 1 of this act has specified a number of industries on which EPF act will be applicable. So, and in which 20 or more persons are employed. 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो मतलब 20 या उससे कम लोग काम करते हैं तो क्या EPF act जबरदस्ती applicable होगा? नहीं. तब EPF act अगर कोई मालिक और उसके यहां काम करने वाले लोग चाहे तो अपने यहां वॉलंटियरली लागू कर सकते हैं. मीनिंग देयर बाई द कंपल्सरी एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट वुड बी ऑन दोज एस्टेब्लिशमेंट व्हिच आर फैक्ट्रीज वेयर 20 और मोर पर्संस आर एम्प्लॉयड एंड इट इज नॉट कवर्ड इन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 16. तो सेक्शन 16 का एक्सेप्शन है, फैक्ट्रियों के ऊपर एप्लीकेबल है. 20 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए तो जरूरी एप्लीकेबल है. हाँ, 20 या उससे कम लोग हों तो हम वॉलंटरी प्रोविजन एप्लीकेबल कर सकते हैं. वो हम देखेंगे कि कैसे होगा. तो पहली चीज तो ये थी फैक्ट्री विद 20 आर मोर पर्सन. दूसरी एप्लीकेबिलिटी है एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट मीनिंग देयर बाई अदर देन ए फैक्ट्री वेयर 20 आर मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड एंड द क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन अगर हम एप्लीकेबिलिटी को समअप करें तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? विद एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 16 इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी फैक्ट्री. फैक्ट्री का मतलब मैं अभी आपको जरा सा बता देता हूं. मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज रहने वाली इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग में एंगेज रहने वाली इंडस्ट्री. हालांकि फैक्ट्री की अलग से डेफिनेशन इस एक्ट में है, हम देखेंगे. लेकिन पहला एस्टेब्लिशमेंट है फैक्ट्री विद मोर देन 20 पीपल. दूसरा है एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल है, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, वर्कशॉप है. 20 आर मोर पर्संस आर एम्प्लॉयड देन ईपीएफ एक्ट विल बी एप्लीकेबल एंड द क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सी पोर्शन क्या है? ये अंतिम है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअरी क्लॉज. तो फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स कवर्ड हो गए. रेजिडुअरी क्लॉज में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी. मीनिंग देयर बाई एक्सेप्ट दोज केसेस विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16
दिस ईपीएफ एक्ट वुड बी कंपल्सरली एप्लीकेबल ऑन एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 आर मोर पर्संस आर डूइंग देयर जॉब। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती भी लागू कर सकती है? मैं कह रहा था ना, अभी 20 से कम वाला केस हम कवर करेंगे। सो देयर इज अ प्रोविजो टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 विच सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक द एक्ट एप्लीकेबल to any establishment in which less than 20 persons are employed after giving not less than 2 months notice। मतलब प्रोविजन क्या बन रहा है कि कहीं पर 20 से कम लोग काम कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस एस्टेब्लिशमेंट के वर्कर्स को भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के फॉर्म में प्रोविडेंट फंड का फायदा मिलना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल सर्व ए नोटिस गिविंग 2 months टाइम टू दैट एस्टेब्लिशमेंट टू रिप्लाई। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट को जहां 20 से कम लोग काम कर रहे हैं उनको एक नोटिस देगी, जिसको अपन बोलते हैं शो कॉज नोटिस, कि आप कारण बताइए कि भले ही आपके यहाँ 20 से कम लोग हैं लेकिन हम आपके ऊपर ये पीएफ एक्ट क्यों ना लागू करें, पीएफ एक्ट क्यों ना लागू करें। तो इस लाइन का मतलब क्या है? आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस, दिस नोटिस इज गिवन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि 20 या उससे कम लोगों वाले एस्टेब्लिशमेंट पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए केंद्रीय सरकार ये नोटिस देगी कि आप बताइए हम आपके ऊपर पीएफ एक्ट क्यों ना लागू करें। अगर उस इंडस्ट्री ने कारण बताया और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं इनके ऊपर नहीं लागू करना चाहिए तो नहीं लागू होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा ईपीएफ एक्ट, भले ही आपके यहाँ 20 से कम लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है? फिरोजाबाद का नाम तो आपने सुना होगा, चूड़ी बनाने के कारखाने हैं, एक छोटे से कमरे में भट्टी लग जाती है और ग्लास के सामान बनने लगते हैं। भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लास को गलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, उसमें काम 8-10-15 लोग ही करते हैं। जी हाँ, 8-10-15 लोग ही करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, बेकरी है, बॉम्बे में चले जाइए हजारों बेकरियां लगी हुई हैं, 24 घंटे काम चलता है, हाई क्लास टेम्परेचर पे ब्रेड बन रहा है, पाव बन रहा है, 10-12 लोग काम कर रहे हैं और काम निपट भी जा रहा है। मतलब ऐसी जगहों पे काम करने वाले वर्कर्स की वर्किंग लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि आप हमेशा सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर के सामने रहेंगे तो आपका जीवन काल तो वैसे ही कम हो जाएगा। लकड़ी के काम फर्नीचर वाले के यहाँ वो बेचारे 8-10 मजदूर दिन भर बैठ करके आपके लिए सोफा सेट पलंग बनाते रहते हैं और लकड़ी काटने पे जो बुरादा उड़ता है वो उनकी सांसों के रास्ते उनके फेफड़ों में जाता है, उनकी जिंदगी बहुत कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं हजारडुअस इंडस्ट्रीज, नुकसानदायक इंडस्ट्रीज। लेकिन अब 20 से ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे तो मालिक उनको पीएफ का बेनिफिट नहीं देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस देती है कि भाई आपके यहाँ वर्कर्स जिन कंडीशंस में काम करते हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, तो हमारा मानना है कि आपके यहाँ भी पीएफ एक्ट लगना चाहिए। तो इसका मतलब एक तो प्रोविजन हो गया कंपल्सरी एप्लीकेशन का, दूसरा प्रोविजन हो गया वॉलंटरी एप्लीकेशन का, तीसरा प्रोविजन हो गया कंपल्सरी एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग ए शो कॉज नोटिस ऑफ 2 months। अब आप शायद सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 महीने के बाद भी वो कंपनी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर तो अपने आप लागू हो जाएगा, फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर ही देगी। आप जवाब दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कीजिए कि आपके ऊपर क्यों नहीं लागू होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, अदरवाइज तो लागू हो ही जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे कह रहा था ना वॉलंटरी एप्लीकेशन,
20 से ज्यादा हैं तो जबरदस्ती अप्लाई होगा, 20 से कम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिस कर दिया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये 20 से कम है और एम्प्लॉयर का दिल बहुत बड़ा है, एम्प्लॉयर कहता है अरे भाई हमारे कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए, तो करता क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में एग्रीमेंट कर ले कि हमारा धंधा छोटा है दिल बहुत बड़ा है तो हमारे यहां के कर्मचारियों को भी पीएफ का बेनिफिट मिलना चाहिए। शर्त इतनी है कि आप पीएफ कमिश्नर के पास जाइए, उस एग्रीमेंट को सबमिट कीजिए और आपके ऊपर भी ईपीएफ एक्ट एज इट इज लागू होना शुरू हो जाएगा। तो एप्लीकेबिलिटी में हमने देखा कंपल्सरी एप्लीकेबिलिटी, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी। कंपल्सरी एप्लीकेबिलिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग ए 2 months नोटिस, नाउ एग्जेम्पशन। आपको लग रहा होगा शायद मैं आपको सेक्शन 16 बताने जा रहा हूं, सेक्शन 16 का एक्सेप्शन जो अभी आपने देखा था। देखिए एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन में अंतर है। एग्जेम्पशन का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर एक्ट लागू था लेकिन आप गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दीजिए। और जो एक्सेप्शन सेक्शन 16 में है वहां तो आपके ऊपर लागू होना ही नहीं है। एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन का फर्क ये याद रखिएगा, एग्जेम्पशन इज इन सेक्शन नंबर 17, रीड द प्रोविजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट, मे माइंड द वर्ड मे एग्जेम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट बाय ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, द एग्जेम्प्शन शैल बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल पोजिशन और अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल पोजिशन और अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मीन्स वॉट, कि भाई आप जाके कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर हमें तो बड़ा घाटा होता चला जा रहा है, हम तो किसी कंडीशन में नहीं है कि इंप्लाईज को सैलरी दे पाए, आप ये कह रहे हैं कि आप पीएफ का बेनिफिट भी दीजिए, सर प्लीज अभी हमें छोड़ दीजिए, अगर अभी आप हमारे ऊपर पीएफ का प्रेशर डालेंगे ना तो सर हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी, हम ऑलरेडी बहुत घाटे में चल रहे हैं, या फिर कोई और सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि कंपनी का सामान नहीं बिक रहा, कंपनी की ट्रेडिंग के ऊपर अभी सरकार ने मान लो बैन लगाया हुआ है, कोई और लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे सेक्शन 17 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे। देन यूज ऑफ द वर्ड मे, माइंड इट, मे का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाए या ना किया जाए। सो जस्ट सी दिस सेक्शन 17 इज अदर साइड ऑफ द क्वाइन ऑफ सेक्शन नंबर 1। अदर साइड ऑफ द क्वाइन मतलब क्या है, सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपको कोई और परेशानी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हमें छोड़ दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंडीशन को एग्जामिन करेगी, अगर वो कन्विंस होगी तो आपको छोड़ देगी। यहां मे वर्ड शो करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट डिस्क्रिशन है आपको पकड़ने की या आपको छोड़ देने की। अब जरा आगे चलते हैं, कंटिन्यूड एप्लीकेबिलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट On which this act becomes applicable once shall continue to be covered in this act even if number of employees falls below 20. बहुत important है, आपके पास 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी थे, एक्ट कंपल्सरी लागू हो गया, फिर किसी अवस्था में आपके पास 19 कर्मचारी रह गए, तो अब आप कहेंगे कि जी अब तो एक्ट मेरे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है, सर ये एक्ट नहीं है, मोहब्बत है, एक बार हो गई तो हो गई,
भले ही वो आगे चल के किसी और की हो जाए, प्यार तो जिंदा ही रहेगा, प्यार तो जिंदा ही रहेगा। एक बार लागू हमेशा लागू, एक बार लागू हमेशा लागू, चाहे भले ही नंबर ऑफ इंप्लाइज कम हो जाए आपके यहां। क्योंकि देखिए इसमें व्यवस्था क्या है कि पीएफ का जो पैसा होता है वो इंप्लायर और इंप्लाई, अभी हम आगे करेंगे कंट्रीब्यूशन में, इंप्लायर और इंप्लाई दोनों उसमें बराबर बराबर हिस्सा देते हैं। तो एक बार आपने इंप्लायर इंप्लाई का ये रिश्ता बना लिया, हर महीने पैसा कट के जा रहा है, तो फिर बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कहें कि नहीं साहब अब हमें छोड़ दीजिए, अब हमें छोड़ दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी अच्छा 20 से कम हो गए, 18 रह गए, उन 18 का क्या कसूर है अगर आपके यहां से दो लोग नौकरी छोड़ के चले गए। दूसरा, कई लोग फर्जीवाड़ा करने लगे, कर्मचारी हैं 20 एप्लीकेबल हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेबर रजिस्टर से 2-4 का नाम हटा दिया, बोला देखो जी अब तो हमारे यहां 15-16 ही रह गए, अब तो हम पीएफ एक्ट से बाहर आ गए। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक बार आपके पास 20 लोग काम कर रहे थे तो हम तो यही मानेंगे ईपीएफ एक्ट लागू हो गया, अब आप आगे भी पीएफ में कवर्ड है। तो एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया, कंपल्सरी एप्लीकेबिलिटी, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, 1 सेक्शन सबसेक्शन 4, एंड देन वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अब जरा आगे चलते हैं, इन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 16, इन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 16। आप देखो इन एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि द एस्टेब्लिशमेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड अंडर सेक्शन 16, दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल एट ऑल, दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल एट ऑल सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन नंबर 16। तो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ऑन द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई एट ऑल, सो लेट अस सी किसके किसके ऊपर बिल्कुल भी एप्लीकेबल ये एक्ट नहीं होगा। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग लेस देन 50% एंड वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। अब इसमें मैं आपके सामने पॉसिबिलिटीज रखता हूं, इसमें मैं आपके सामने पॉसिबिलिटीज रखता हूं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, फर्स्ट थिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करने वाले दो कानून है भारत में, फर्स्ट थिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड सेकेंड इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002। दोनों में फर्क यह है कि अगर आपको एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक राज्य की सीमाओं के भीतर ही काम करना है तो आपके ऊपर लागू होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और अगर आपको ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी जिसको एक राज्य, दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य में भी काम करना है तो आपके ऊपर लागू होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब इन दोनों कानूनों के बीच एक बड़ा परिवर्तन और है, एक बड़ा अंतर और है। अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, a cooperative society has a choice getting itself registered with registrar of cooperative society or not getting itself registered with registrar of cooperative society. लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट पे फंक्शन करना है उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सो हम यहां बात कर रहे हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की और उस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। थैंक यू। सो मेरा कहना यह है, एक केस लीजिए, आपके पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अनरजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड, मुझे बताइए
उसके ऊपर ये ईपीएफ एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड, उसके ऊपर ईपीएफ लागू होगा कि नहीं होगा? सवाल दोबारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड, क्या वो सेक्शन 16 में छूटेगी या नहीं छूटेगी? जवाब है, अगर अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 20 या उससे ज्यादा इंप्लाई है, तो उसके ऊपर एक्ट लागू हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो छोड़ने की कंडीशन है वो क्या है कि पहली चीज तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास 50 से कम लोग होने चाहिए। तो अब सवाल दूसरा है कि अगर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके पास 51 इंप्लाईज हैं, तो क्या वो कवर्ड होगी? जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा दूसरे सवाल का कि भाई उसके यहां काम कैसे हो रहा है, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके पास 51 इंप्लाईज हैं और बिना बिजली के इस्तेमाल के काम हो रहा है, तब भी छुट्टी रहेगी। अगर उसके पास 51 इंप्लाईज हैं और बिजली से काम हो रहा है, तो उसको ईपीएफ में कवर होना पड़ेगा। मैं दोबारा बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर? क्या अंधेरे में काम करना है? जी नहीं। क्या यह रूल है कि आपकी फैक्ट्री में बल्ब भी नहीं चलेगा? क्या एक पंखा भी नहीं चलेगा, कूलर भी नहीं चलेगा? जी नहीं, सब चलेगा। लेकिन आपकी जो मशीनरी है जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हाथ से चलने वाली होनी चाहिए, वो बिना बिजली के चलने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बल्ब भी नहीं चलेगा, पंखा भी नहीं चलेगा, अंधेरे में आप रहेंगे, ऐसा नहीं। बिना बिजली के मशीन आपकी चले, 50 से कम कर्मचारी हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो आपको छोड़ दिया गया है। ये देखिए क्यों ये छूट दी गई है, वो इसलिए कि जनरली जो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो गांवों में बनाई जाती है, हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बड़े छोटे व्यापारी होते हैं जो किसी तरह से अपने रिसोर्सेज को पूलिंग करते हैं और अपना काम धंधा चलाने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ईपीएफ का एक्स्ट्रा बर्डन डालने से मना कर दिया है। यही रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी हो जाए, मोर देन 50% उनके यहाँ एम्प्लाई काम करने लगे, वो मशीनरी अपनी बड़ी करके बिजली से चलाने लगे, जैसे अमूल है, दूध का बड़ा प्रोडक्शन है उनका, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दिल्ली की मदर डेयरी है, दूध का बड़ा प्रोडक्शन है उनका, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके ऊपर ईपीएफ एक्ट लागू होता है, क्योंकि उनके यहाँ 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनकी मशीनें बिजली से चलती है, पूरा पूरा प्लांट लगा रखा है, उनके ऊपर लागू होता है। अब दूसरे पे आते हैं, अब देखो डेयरी के ऊपर, हैंडलूम के ऊपर, छोटी पावर लूम मशीनों, सॉरी पावर लूम होगा तो लागू हो जाए, हैंडलूम होगा तो लागू नहीं होगा। ये गौ माता के ऊपर दाग लग गया। अब आपको साफ साफ गौ माता दिखाई दे रही होंगी। तो जो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लेस देन 50% एंड वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर। अब दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके ऊपर ईपीएफ एक्ट लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि इनके ऊपर सरकारी पीएफ एक्ट लागू होता है। सर वो क्लास थोड़ा जल्दी रैप अप करिएगा, बैटरी थोड़ी कम है। बस अभी 10 मिनट में रैप अप कर रहा हूं। हूज एम्प्लॉइज आर गेटिंग पीएफ आर पेंशन एज पर एनी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखो आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आप कहते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पीपीएफ भी मिले, सॉरी एसपीएफ मिले, इंस्टीट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और ईपीएफ का भी फायदा मिले, तो ये डबल नहीं मिलेगा।
आपको इस सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड ने ऑलरेडी फ्यूचर बेनिफिट के लिए कवर कर दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लाई या स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लाई जिनको किसी और एक्ट में पीएफ का बेनिफिट मिलता है वो यहां कवर नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी इसका बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड केस आइए, एस्टेब्लिशमेंट विच आर सेट अप अंडर एनी सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनके कर्मचारियों को पीएफ का बेनिफिट मिलता है, पेंशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उनको भी उसी एसपीएफ वाला बेनिफिट लेने का अधिकार है, क्योंकि उनके लिए एक्ट ही अलग बनाया गया है। भाई देखिए, एक तो सरकारी नौकरी होती है जहां आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, एक ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की नौकरी होती है जिसके लिए सरकार ने एक्ट ही अलग बनाया हुआ है, लाइक एलआईसी, एलआईसी का एक्ट सरकार ने अलग बना हुआ है, जीआईसी, जीआईसी के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका एक्ट ही सरकार ने अलग बनाया हुआ है, नाबार्ड सरकार ने एक्ट ही अलग बनाया हुआ है, रूरल डेवलपमेंट बैंक का। तो ऐसे लोगों को फिर डबल फायदा मिलने की उम्मीद है? नहीं, डबल फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट करवाया गया है और आप वहां काम करते हैं, आपको कोई दूसरा बेनिफिट मिल रहा है पीएफ के रूप में, पेंशन के रूप में, अरे सिंपल सा बेनिफिट वही मिलता है इंस्टीट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाला, अगर वो मिल रहा है तो आपको अब ईपीएफ एक्ट 1952 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसको किसको नहीं मिलेगा? एक तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग 50 और लेस देन 50 एम्प्लॉइज एंड वर्किंग विदाउट एज ऑफ पावर। सेकंड थिंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ पीएफ अंडर स्पेशल एक्ट्स। Those public sector undertaking for which central government has made special enactment and they are getting benefit of PF or pension under that special act, these establishment will not be covered under EPF Act 1952. So effectively, एक सवाल पूछूं, EPF Act किसके ऊपर लागू होगा? देखो, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो निकाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाई, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाई को तो निकाल दिया, स्पेशल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को तो निकाल दिया, तो बचा कौन? प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के इंप्लाई हैं, उनके बेनिफिट के लिए यह एक्ट बनाया गया। प्राइवेट सेक्टर के इंप्लाईज को पीएफ का बेनिफिट देने के लिए एक्ट कौन सा बनाया गया? ये वाला। अब एक एस्टेब्लिशमेंट और छूटा, छोटा वाला बच्चा, आपने एक प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट बनाया, 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, आपको कितने दिनों तक छूट मिली रहेगी? 3 साल। जब से आप एस्टेब्लिश हुए हैं तब से 3 साल तक आपके यहां भले ही 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन आपको पीएफ काट करके पैसा डिपार्टमेंट में जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, टू एनी न्यू एस्टेब्लिशमेंट, न्यू एस्टेब्लिशमेंट मींस एब्सोल्युटली न्यू एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट लोगों ने इस प्रोविजन को बड़ा मिसयूज किया है। मैं सही बता रहा हूं आपसे, छोटी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, एस्टेब्लिश होती हैं, 2 साल 2.5 साल जब हो जाता है, अपने आप को जबरदस्ती लिक्विडेशन में डाल देती हैं। लिक्विडेशन हुआ, कागज पे हिसाब खत्म, महीने बर्बाद, वही मालिक, वही प्रमोटर एक नई कंपनी के नाम से आ जाते हैं। पहले था एबीसी लिमिटेड, अब है एक्स वाई जेड लिमिटेड, सब कुछ वही, सब कुछ वही। और अपने मजदूरों को क्या कह देते हैं? भाई साहब 3 साल और वेट करो, क्योंकि हम नए एस्टेब्लिशमेंट हैं।
तो यहाँ सरकार ने जांच पड़ताल के लिए कहा है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एब्सोल्युटली न्यू एस्टेब्लिशमेंट, कोई बंगलिंग नहीं चलेगी। लेकिन इंस्पेक्टर राज में बंगलिंग चलती है, ये मैं आपको अभी बता दूं, ये बड़े दुख की बात है कि अभी भी बंगलिंग चलती है। अब इसके बाद है मेन डेफिनेशन, हम इसका अगले लेक्चर में खुलासा करेंगे डेफिनेशन का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।